देश के मौसम को लेकर अपडेट। मॉनसून की बारिश ने देश भर के राज्यों को भिगोया हुआ है। दिल्ली से लेकर बंगाल तक झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। पूरे दिन आसमान में काले बादल छाए रहते हैं। हालांकि देश के कई राज्यों में बारिश ने तबाही मचाई है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में बारिश से स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्रदेश में हुई बारिश के चलते कई नदियों का जल स्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। यहां पर भारी बारिश को देखते हुए लोगों को नदी नाले और गड्ढों से दूर रहने के लिए कहा गया है। वहीं बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। वहीं राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। टोंक जिले में हुई भारी बारिश के बाद IMD ने बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई जिलों में बारिश का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग ने आज फिर जयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर के कुछ इलाकों में बारिश होने की चेतावनी दी है। असम में भी बाढ़ से स्थिति गंभीर बनी हुई है। अब तक 30 जिलों के 24 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। वहीं मौसम विभाग ने बिजली कड़कने और तूफान के बाद उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले 5 दिनों तक बारिश का अनुमान जताया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, हिमाचल, चंडीगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शुमार हैं जहां अगले 5 दिन बारिश होगी। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में छिटपुट बारिश हो सकती है, जबकि 8 और 9 जुलाई को दिल्ली में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम से जुड़े ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें किसान तक।